ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 अक्टूबर रविवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए रविवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज विद्यार्थियों को इंटरव्यू व करियर संबंधित परीक्षाओं में सफलता मिलने की पूरी संभावना है, इसलिए अपनी पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित रहें। आपकी संतुलित दिनचर्या की वजह से अधिकतर काम आज समय पर पूरे होते जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों किसी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात आपकी विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी तथा जीवन से जुड़े प्रत्येक कार्य को करने का बेहतरीन नजरिया आज आपको प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति भी आज आपकी काफी अच्छी रहेगी। रिश्तेदारों के साथ मनोरंजन संबंधित प्रोग्राम बनेंगे और संबंधों में नजदीकी आएंगी। पिछले कुछ समय से जिन कार्यों के प्रति आप मेहनत कर रहे थे आज उसके शुभ परिणाम उम्मीद से ज्यादा आपको प्राप्त होंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति आज आपका रुझान बढ़ेगा। पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी वे आज बहुत ही सहज और आसान तरीके से हल हो जाएंगे। वस्त्र आभूषण जैसी खरीदारी में भी आज समय व्यतीत होगा। समय आपके पक्ष में है, इसका सम्मान करें। किसी शुभ समाचार के मिलने से घर परिवार में आज खुशी का माहौल रहेगा। आपकी मेहनत व परिश्रम से कोई महत्वपूर्ण कार्य आज संपन्न होगा। आपकी योग्यता और क्षमता पर परिवार के सदस्य गर्व महसूस करेंगे। किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह और सहयोग आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा हासिल करवाएगा जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। घर में कोई धार्मिक आयोजन भी आज संपन्न होगा। दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन सिद्ध होगा। दोस्तों आज आपको नई नई सफलताएं मिलने के अनेकों योग हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों के साथ आज फिजूल घूमने फिरने में अपना समय व्यर्थ ना करें, अपनी शारीरिक ऊर्जा को बना कर रखें। आलस व मनोरंजन में समय व्यतीत करने की वजह से बनते कामों में रुकावट आ सकती है। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज संभाल कर रखें, कोई इनका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है और इसकी वजह से आपके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंच सकती है। संतान की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें, बच्चों की समस्याओं को शांतिपूर्वक सुलझाएं, उन्हें डांटने व गुस्सा करने से उनके अंदर हीनता की भावना उपज सकती है। काल्पनिक बातों पर अधिक ध्यान ना देकर यथार्थ पर विश्वास करें, परंतु ध्यान रहे कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके अच्छे बुरे पहलुओं पर आप विचार अति आवश्यक करें क्योंकि कुछ गलत होने की भी संभावना लग रही है। साथ ही साथ आज अधिकतर समय घर से बाहर व्यतीत करना पड़ सकता है, परंतु सफलता प्राप्त करने के लिए मर्यादाओं का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। कोई भी अनुचित कार्य और आपका क्रोधपूर्ण व्यवहार आपकी योजनाओं को डगमगा सकता है, सावधान रहें। दोस्तों दूसरों के सुझावों पर गंभीरता से विचार करें तथा फिजूल खर्ची से बचें। अचानक ही किसी प्रकार के महत्वपूर्ण खर्चे सामने आ सकते हैं। साथ ही साथ किसी निकट संबंधी से भी मतभेद होने की आज पूरी संभावना है, सावधान रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है।
दोस्तों विवाहित जीवन आज सुख में रहेगा, प्रेम संबंधों में आज काफी मजबूती आएगी। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही आपके अनुकूल है। पारिवारिक गतिविधियों में आपका सहयोग और समर्पण वातावरण को और भी अधिक खुशनुमा बनाएगा तथा आपसी संबंधों में और अधिक नजदीकी आएंगी। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में अपने जीवन साथी की आप सलाह अवश्य लें। आज का दिन आपके प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन साबित होने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय करियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में है। कुछ अच्छे कार्य आपके सफल होंगे तथा तरक्की के उचित अवसर आपको प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्य को बहुत अधिक ध्यान पूर्वक करें, कोई गलती होने की भी आज संभावना है। दोस्तों दैनिक आय में वृद्धि होगी। आयात निर्यात संबंधित कार्यों में अधिक ध्यान केंद्रित करें, कोई बड़ा अनुबंध मिलने की आज संभावना है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपना टारगेट पूरा करने से तरक्की मिल सकती है। आज कुछ नए अनुबंध मिलने की संभावना है। कोई भी डील फाइनल करते समय समझदारी और सूझबूझ से काम लें। लाभ के मार्ग प्रस्तुत होने के आज योग बन रहे हैं, अतः समय का आप भरपूर सदुपयोग करें। दोस्तों व्यवसायिक गतिविधियां आज सुचारू रूप से चलती रहेंगी, परंतु नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को अपने कार्यों के प्रति थोड़ा सावधान रहने की भी आवश्यकता है, अन्यथा अधिकारी वर्ग की नाराजगी का भी आपको शिकार होना पड़ सकता है। व्यवसाय के विचार संबंधित रूपरेखा पर किसी भी कार्य को आज स्थगित करें। आर्थिक साधनों में आज वृद्धि होगी, परंतु किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य को करने से आपको बचना होगा। दोस्तों प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में पेपर वर्क पर आप अधिक ध्यान दें। जरा सी सावधानी आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों से बॉस व अधिकारी वर्ग आज प्रसन्न रहेंगे। प्रमोशन मिलने के भी आज योग बन रहे हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज गिरने से या वाहन आदि से चोट लगने की संभावना बन सकती है, इसलिए आज आप अत्यधिक सावधानी बरतें। वैसे आज आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों हम आपको जिस उपाय को बताने जा रहे हैं, इस उपाय को आपको रात्रि के समय करना है। आपको यह उपाय रात को सोते समय करना है। या दोस्तों आपको करना क्या है, या दोस्तों आप सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और सोते समय एक गिलास में दूध भरकर अपने सिर के पास रख कर सोएं। इसके बाद आप सुबह उठें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद इस दूध को किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। या दोस्तों ऐसा करने से आपको जल्द ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी और भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। या दोस्तों आप इस उपाय को अवश्य करें, आपको अवश्य ही विशेष लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।